हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 9:30 ऐसा कुछ टाइम हो रहा है और हम लोग ना सब पर्दा लगाने में बिजी है क्योंकि सालों बाद पर्दा लग रहा है अभी फाइनली घर में। क्योंकि देखो ला के रखा था ना, बहुत टाइम हो गया, जैसे कि 3-4 महीने मेरे को लगता है ला के ही रख दिया। निकेत होने से पहले ही ला के रख दिया था। तो अभी देखो उसका ही उम्र 4 महीना पूरा कंप्लीट हो गया, अभी 5वां स्टार्ट है शायद। तो बस अभी वही पर्दा का काम चालू है और मैं बहुत दिन से ना सोच रही थी लगवाऊंगी करके, तो नहीं मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और मतलब कुछ कुछ काम की वजह से बिजी रहता था और मेरे अकेले से तो होने वाला नहीं था। तो बाबू का भी हेल्प ज़रूरी था और वही ज़्यादा मेहनत कर रहा था क्योंकि मेरे अकेले से बच की बात नहीं था। तो बस अभी वही लगा रही हूँ पर्दा वगैरह और निकेत को अभी सुला दी हूँ। निकेत अभी सो रहा है और बस उसका भाई है वो उसको देख रहे हैं और मैं और बाबू इधर काम कर रही हूँ। तो और देखो ये जो पर्दा है ना, ये एकदम हम लोग के सोफा के साथ ना मैचिंग हो गया, बाबू का ही पसंद है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और देखो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं इधर वाले दरवाजे पे लगा रही हूँ शुरुआत में। और बाबू सोचा था कि एक एक पर्दा एक एक दरवाजे में लगेगा ऐसा टाइप का सोच के लाया था, लेकिन ना एक एक दरवाजे पे दो दो पर्दा लग रहा है, तो इसीलिए ना शायद हम लोग का पर्दा कम पड़ जाएगा ऐसा लग रहा है। तो बस देखती हूँ कितना तक होता है। तो देखो यहाँ पे जस्ट अभी लगवा रही हूँ और फिर अंदर जाएंगे क्योंकि शुरुआत बाहर से ही करी हूँ। तो बस आप लोग बताना पर्दा का डिज़ाइन कैसा लगा फ्रेंड्स। तो मुझे तो काफ़ी पसंद है, ऐसे थोड़ा महंगा पड़ता है ऐसा वाला पर्दा। तो ये हम लोग ना दुकान से लाए इधर वाले मार्केट से। तो बस अभी अंदर जाएंगे, ये देखो यहाँ पे लग गया पर्दा, अभी बाहर का दरवाजे पे पर्दा लग गया और अभी अंदर जा रही हूँ हम लोग बेडरूम पे लगाएंगे। खिड़की में देखो कितना पुराना ऐसे का मतलब पर्दा लगा हुआ है और वो ख़राब भी हो गया, काफ़ी पुराना है अभी, वो एकदम ख़राब हुआ, उसको फेंकना पड़ेगा, कोई काम में नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पे देखो पर्दा वगैरह लग गया और ये अंदर रूम पे भी लग गया। तो फाइनली पर्दा रूम पे और बाहर लग गया और ऊपर का रूम में और 2-3 जगह खिड़की में बचा है, तो वहाँ पे ना कम पड़ गया पर्दा, जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ, जैसे एक एक सोच के लाया था तो कम पड़ गया। तो अभी ना अमेजोन में हम लोग ऑर्डर करेंगे ऐसे सेम पर्दा का डिज़ाइन देख के, तब जाके अच्छा लगेगा क्योंकि मैं देखो सोफा के साथ भी मैचिंग हो गया पर्दा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अभी सोच रही हूँ कि अलग और अलग दिखेगा तो दूसरा जगह तो आज मज़ा नहीं आएगा, तो मैं इसीलिए ना अमेजोन में अभी ढूंढूंगी ऐसा सेम पर्दा का डिज़ाइन वाला, तो देखती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा मशीन भी है यहाँ पे खिड़की के साइड में, तो पर्दा को ऐसे रख के मैं काम कर सकती हूँ, ऐसे लाइट भी चालू करके भी काम कर सकती हूँ, तो अच्छा जमेगा खिड़की के साइड में, मशीन सिलाई करने में भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स फाइनली पर्दा घर में लग चुका है देखो, और हम लोग ऊपर वाले रूम में बाकी है तो उसमें हम लोग बाद में लगाएंगे, अभी ऑर्डर किए हैं अमेज़न में, आने का वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं मतलब बाबू सोचा था कि एक एक पर्दा में ना एक एक दरवाजे में हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा था, दो लग रहा था इसीलिए कम पड़ गया, नहीं तो बहुत सारा लाया था। तो यहाँ पे मैं अमेजोन पे सेम पर्दा ढूंढ रही थी बहुत टाइम से, तो फाइनली पर्दा मिल गया। और देखो यहाँ पे ना मिला तो पर्दा, बट थोड़ा सा अलग है, एकदम डिजाइन सेम है लेकिन ना पर्दा का जो मेन वो बॉर्डर दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, वो बस नहीं मिल रहा है, और बाकी डिज़ाइन देखो एकदम सेम है जैसा हमने लगाया है, बस ऐसा ही डिज़ाइन का पर्दा है, बस वो बॉर्डर नहीं है वहाँ पे, तो बस चलेगा, फिर भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, मतलब एकदम फिर भी काफ़ी ज़्यादा मैचिंग ही है। तो बस यही वाला ऑर्डर कर ले रही हूँ। हम लोग का सोफा का कलर और पर्दा का कलर सेम है देखो, एकदम सेम दिखता है, देखो उधर एक तना हुआ है देखो सेम दिख रहा है, तो पर्दा और जो ये है ना सोफा वो एकदम सेम दिख रहा है, तो अच्छा हुआ मैचिंग हो गया। तो अभी हम लोग का कम पड़ गया थोड़ा, इधर भले खिड़की में नहीं होगा
लग रहा है, अभी देखती हूँ। और ऊपर वाला रूम पे भी नहीं होगा तो उसके लिए भी लाना पड़ेगा। अभी ऐसे बोले सेम डिजाइन का लाएंगे, ये थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन ना यही अच्छा लग रहा है। अभी मैचिंग मैचिंग हो रहा है तो काफ़ी अच्छा, क्वालिटी भी अच्छा है इसका, डिज़ाइन भी अच्छा है, मस्त लग। तो पर्दा वगैरह लगा के, और जो भी पर्दा कम पड़ा ना खिड़की में ऊपर का दरवाजे में, तो बस वो हमने ऑर्डर कर दिया है अमेजोन में। तो अभी देखती हूँ कब आता है, फिर लगाऊंगी ऊपर का कमरे में। बस अभी फ़िलहाल पर्दा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, खाना बना रही हूँ। आप लोगों को पता ही है कि माँ अभी नहीं है घर में, हम लोग के यहाँ और गाँव गए हुए हैं, 1 महीना हो गया। तो अभी माँ आने वाला है, 1 हफ्ते में आएगा इधर। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ खाना बना लेती हूँ, कि टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ, फिर भी मैं दोपहर का ही खाना बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं परवल, मसालेदार परवल फ्राई करूँगी। इसका बीज देखो निकाल ले रही हूँ मैं, बीज के साथ मैं मसाला फ्राई करके फिर डालूँगी अलग से। और मैं यहाँ पे 2 काम एक साथ कर रही हूँ, जैसे कि इधर आलू फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है भिंडी का सब्जी मछली के साथ, तो बस वो बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं सब्जी चरा दे रही हूँ और उधर मसाला भी रेडी करूँगी मुझे, और लगभग मतलब चावल बन गया और अभी सब्जी और परवल का फ्राई करना है बस। तो देखो यहाँ पे मैं वही सब्जी बैठा दे रही हूँ, और उसके बीच में ना मुझे निकित को भी देखने जाना पड़ रहा था क्योंकि वो खेल रहा था, ऐसे सोया था पहले उठ गया तो अभी खेल रहा था, और बीच बीच में जाकर उसको फीडिंग भी करवाना पड़ रहा था। तो देखो यहाँ पे मछली फ्राई हो चुका है और अभी सब्जी बन रहा है, तो बस मछली के साथ भिंडी का सब्जी। किसको किसको पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और देखो यहाँ पे मैं अभी सब्जी बैठाऊँगी, तो बस मसाला डाल रही हूँ, हल्दी नमक, ज़्यादा कुछ मसाला ऐसे भी नहीं डालूँगी, बस सिंपल जो चाहिए, जैसे थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा कुछ नहीं डालूँगी मैं, बस ये सब डाल के मैं सब्जी बना लूँगी सिंपल के अंदर एकदम। तो बस इधर देखो सब्जी फ्राई करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और ये मछली डालूँगी उसके अंदर, मछली के साथ भिंडी का सब्जी मुझे तो काफ़ी पसंद है, तो बस अभी वही कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखो, और बस पानी डाल लूँगी, ज़्यादा रसा भी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सूखा सूखा बनाऊँगी मैं भिंडी का सब्जी। और इधर मैं मसाला रेडी कर दिया और ये मसाला मैं फ्राई करूँगी देखो, परवल के अंदर डालने के लिए। आप लोग चाहो तो ऐसे कच्चा भी डाल सकते हो मसाला, लेकिन ना मुझे ऐसे मसाला फ्राई करके डालने से ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो मैं मसाला फ्राई करके फिर डालूँगी परवल के अंदर। ऐसे भी फ्राई हो चुका है, अभी ठंडा करने के लिए रखूँगी मैं मसाला, और मैं धीरे धीरे करके परवल के अंदर सारे मसाला को भर दूँगी सब परवल के अंदर। तो बस उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा मसाला लगा के मैं इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। तो बताना मसालेदार परवल किसको किसको पसंद है, वो भी ज़रूर बताना कमेंट में। और बस और एक बात हो तो बताई हूँ आप लोगों को, सालों बाद घर में पर्दा लगा है आज, वो भी कम पड़ गया, ये भी एक सोचने वाली बात है फ्रेंड्स, तो बताना ज़रूर कमेंट में। तो बस अभी खाना वाना बनाने के बाद, अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जब मैं खाना बनाने के आई थी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो इधर उधर जा रही हूँ निकित के पास जा रही हूँ, तो टाइम तो लग ही जाता है होंगे। तो जैसे लेडीज़ लोगों को पता ही होंगे कि कैसा टाइप का होता है घर का काम काज। तो बस अभी फ्राई कर ले रही हूँ मैं परवल को अच्छे से, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मसालेदार परवल है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्राई होने में। तो अभी बस मेरा मसालेदार परवल अगर रेडी हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो देखो यहाँ पे रेडी हो चुका है, और अभी हम लोग का खाना खाना है क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और भूख भी लग गया, बाबू बोल रहा था। तो बस अभी बाबू नहा भी लिया, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, बहुत सारा खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।